बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, जिसे कहते हैं तारीख लिखी गई है। जो भारत है उसने भी ये अपना एक स्टेप जो है, दैट इज स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट। इंडिया की सदारत में सर ये एक फैसला हुआ है कि जो तालिबान जो है उनका नाम, वो जो दहशत गर्दी के हवाले से जो है उस एक मेमोरेंडम या एक जो स्टेटमेंट आई है उससे निकाल दिया गया है। दैट हैपेंड इन द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया इन द यूएनएससी। So that is a big, big, big development. Like I was saying earlier, अगर तालिबान अफगान लोगों को तालिबान ही चाहिए तो ठीक है, तालिबान चाहिए वो दिल्ली तालिबान दिया। और जबीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, इंडिया हमारे साथ मिलकर काम करे। बट जहां तक इंडिया का पोजिशन है, आई थिंक इंडिया एक वेरी प्रैग्मेटिक पोजिशन, सो आई थिंक वी शुड लुक एट द लार्जर पिक्चर। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, मैं समझता हूँ वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दैट एस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, जिसे कहते हैं तारीख लिखी गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने जो तालिबान जो दहशतगर्द जो उनका जो नाम के साथ दहशतगर्द आता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आता था, वो नाम हटा दिया। और ये जो भारत है उसने भी ये अपना एक स्टेप जो है, दैट इज स्टेप फॉरवर्ड फॉर दैट। जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भारत ने भी साइन कर दिए हैं, क्योंकि भारत समझता है कि जमीनी हकायक बदल गए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान जो हैं वो एक, जैसे कल उन्होंने बयान दिया, आई थिंक जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया, और जबीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, इंडिया हमारे साथ मिलकर काम करे। मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि भाई हमें उनको तो पैसा चाहिए मुल्क चलाने के लिए, वो स्ट्रगल तो सारी खत्म हो गई। मैं देख रहा था कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मेरा ख्याल है आज इंडिया का आखिरी दिन है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनएससी का, तो इंडिया की सदारत में सर ये एक फैसला हुआ है कि जो तालिबान जो है उनका नाम, वो जो दहशतगर्दी के हवाले से जो है उस जो एक मेमोरेंडम या एक जो स्टेटमेंट आई है उससे निकाल दिया गया है। That happened in the presidency of India in the UNSC. So that is a big, big, big development. Okay, there are two aspects to this. One is the UN position. Second is the Indian position. And third is, of course, the Indian position in the UN, which is aligned to the Indian position. Like I was saying earlier, agar Taliban, Afghan logo ko Taliban hi chahiye, toh theek hai, Taliban chahiye, woh deal with Taliban. No, every terrorist organization, they are giving the right signals. End mein kya hota, mujhe pata nahi hai. Na kisi ko pata hai. No one knows what Even in the immediate future, no one knows what's going to happen. USA ने रात को एग्जिट किया है, अभी मुझे नहीं पता अगले हफ्ते में क्या होगा। सिचुएशन इज वेरी वेरी डायनेमिक, वेरी वोलेटाइल, एनीथिंग कैन हैपन, सिविल वॉर कैन ब्रेक आउट एंड ऑर्डर कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। तो वी होप दैट द बेस्ट इज हैपन्स। बट जहां तक इंडिया का पोजिशन है, आई थिंक इंडिया टेकन अ वेरी प्रैग्मेटिक पोजिशन, वेरी वेरी प्रैग्मेटिक पोजिशन। रादर सिट ऑन अ हाई टेबल एंड से कि नहीं है, दे आर गोइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। इफ द फॉर्म अ गवर्नमेंट, वी विल हैव टू डील विद दैट गवर्नमेंट। हम दूसरे कंट्री कैसे बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ये ठीक नहीं है, आप ये गवर्नमेंट लेंगे तब आपसे बात करेंगे। इंडिया, फॉर्चुनेटली आई थिंक इंडिया ने बड़ा अच्छा इन्वेस्ट कर रखा है अफगानिस्तान के लोगों में। जब मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी होती तो अधिकतर लोग जाते पाकिस्तान में, आना इंडिया पसंद करेंगे। फर्स्ट लीड इज चीपर, सेकंड लीड इज बेटर। तो हमने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वहां पर, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं विच इज विजिबल टू द पीपल कि ये कर रहे हैं। आई थिंक तालिबान वॉन्ट्स लेजिटिमेसी। तालिबान को इंडिया से क्या लेना है, लेजिटिमेसी लेनी है उसको। वी आर सरप्लस ऑफ फूड, ही नीड्स फूड। वी आर सरप्लस ऑफ मेडिसिन, वी आर द फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड। इफ वी नीड मेडिसिन, व्हाई नॉट, बट वी आर हियर टू हेल्प द पीपल। सो आई थिंक वी शुड लुक एट द लार्जर पिक्चर। एंड इफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज डिसाइडेड अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ इंडिया दैट वी विल डील विद द लाइकली गवर्नमेंट इन पावर, तो गवर्नमेंट तालिबान की आएगी आएगी ना, क्योंकि रूल तो उनका काबिल तो काफी कंट्रोल तो वो कर रहे हैं। तो लेट अस गिव देम अ चांस। चांस तो सबको, दूसरा चांस तो सबको मिलता है, सबको मिलना चाहिए। इंडिया अफगानिस्तान की अनरेस्ट से कैसे इफेक्ट होता है, मतलब क्या ऐसा है जो आप समझते हैं कि जो जिससे आपके मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज होता है इफ देर इज अ सिविल वॉर इन अफगानिस्तान, या वहां भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। क्या आप रिलीजियस मिलिटेंसी को देखते हैं बढ़ती हुए, या आप किसी और लेंस से, हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि कश्मीर के रेफरेंस से तो मेरा नहीं ख्याल कोई इंडिया को उस हवाले से चैलेंज होना चाहिए, बिकॉज दिस ट्रैवलिंग ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इज नॉट पॉसिबल, इट हैज नेवर हैपेंड इन द पास्ट बाय द वे एज फार एज आई नो। हाउ विल इंडिया गेट अफेक्टेड विद दिस इफ देयर इज अ सिविल वॉर और पर्टिकुलर मजीद अनरेस्ट होता है या धड़े लड़ते हैं अफगानिस्तान में?
देखिए अगर रीजन में इंस्टेबिलिटी है तो यू विल नॉट गेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो स्प्रेड है वो अफगानिस्तान से जो शुरू होगा तो ईरान है एक साइड पे, पाकिस्तान दूसरी साइड पे, चाइना और इंडिया, तो यहाँ पे जाएगा जाएगा ये. तो इसको बड़ा ध्यान से हमको देखना पड़ेगा कि वी शुड नॉट बी फॉर प्रे टू मोर टेररिज्म एज इट इज. वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं. और जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, मैं समझता हूँ कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. पहले भी मतलब जो मर्जी आप बोल रहे हैं देयर वर अफगानी मतलब हम उनको एफटी बोलते थे फॉरेन टेररिज्म आए थे वहां पर. But they were not very successful in any case. Although we are quite confident of taking care of that aspect. एक वीडियो स्टेटमेंट है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से. उनका कहना था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमने तिजारत करनी है हिंदुस्तान के साथ, पहले भी होती रही है और अब हम करेंगे वाया पाकिस्तान भी और बायर भी, जो हमारा सिस्टम है हम उसको करेंगे. मुझे ऐसे लगता है कि तालिबान जो है वो बड़ा एक्टिवली और समझदार तरीके से प्ले करेंगे. इंडिया ने अभी अपनी जो एम्बेसी है क्लोज कर दी है, वहां से सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो आ गए हैं, लेकिन वो वापस जाएंगे. सो मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान जो है वो इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखेंगे. बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जबीला मुजाहिद को फ्रांस 24 में सुन रहा था और वो कह रहे थे हम फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम अपना सफीर भेजना चाहते हैं पेरिस. ठीक है, तो आप फॉरगेट छोड़ें इस चीज को कि वो क्या होगा. ये देखिएगा आपको तालिबान जो है वो अपने आप को बड़ा एक्टिवली प्ले करेंगे. और तालिबान देखिएगा आइंदा आने वाले कुछ दिनों में तालिबान अमेरिका यूरोप और सबके साथ मिलके जो आईएसआईएस खुरासान है इसके खिलाफ जहाद का ऐलान होगा. और ये सारे ममालिक जो है इनको असला भी देंगे, पैसा भी देंगे, वेपन भी देंगे तालिबान को कि आईएस से लड़ो और इसको खत्म करो. सो ये आइंदा आने वाले आप कुछ दिनों में देख लीजिएगा. बल्कि जो अभी इस वक्त जो पोजिशन है किसी अमेरिकन ने ये नहीं कहा, बाइडन ने वगैरह ने या निचले लेवल पे कि ये तालिबान ने किया, सब ने कहा है ये आईएस.